हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लावण्यास किचन। आज की रेसिपी है टूटी फ्रूटी वनीला केक, जो है रूई के जैसी सॉफ्ट और खाने में उतनी ही डिलीशियस और बनाने में उतनी ही आसान बिना ओवन के। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमने 20 ग्राम ड्राई फ्रूट्स को दरदरा पीस लिया है, मेजरिंग कप 100 ml वाली। इससे हमने 1.5 कप शक्कर लिया है, 2 कप घी लिया है, 1.5 कप मिल्क पाउडर लिया है, 3.5 कप मैदा लिया है, बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा लिया है, 1 लेमन जूस और 1 ग्लास मिल्क लिया है। मेजरिंग स्पून 1 टेबल स्पून वाला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारी केक टिन ली है हार्ट शेप की, इसे ग्रीस कर लेते हैं घी से, और उसके बाद मैदे से हम इसे डस्ट कर लेंगे। ग्रीसिंग और डस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस पे बटर पेपर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी तरीके से ग्रीसिंग एंड डस्टिंग कर लें। इसे बनाने के लिए एक छन्नी और बर्तन लें। अब इसमें करीब 3.5 कप हम मैदा डालेंगे, उसके बाद हम इस पे बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून के करीब हमें डालना है। इसके बाद 1 टेबल स्पून हमें बेकिंग सोडा डालना है, और सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरीके से छान लेना है। जब ये अच्छे से छन जाए तो इसे साइड में रख देंगे। अब हम एक दूसरा बर्तन लेंगे, इसमें ऐड करें लेमन जूस, 1 लेमन का जो जूस हमने निकाला था वो। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम घी, 2 कप घी, 100 ml वाली कप से 2 कप घी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, करीब 1.5 कप हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे 100 ml की कप से। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे करीब 1.5 कप शक्कर। अगर आपको स्वीटनेस थोड़ी कम चाहिए तो आप 1 कप शक्कर ही डालें, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर ऐड करेंगे ग्राइंडेड ड्राई फ्रूट्स, करीब 20 ग्राम है ये। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद बीट करेंगे, जिससे ये सारे इंग्रेडिएंट्स और भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसमें ऐड करेंगे करीब 1/2 ग्लास दूध, और इसे दूध डालते डालते भी बीट करते जाएंगे। करीब 1 से 2 मिनट हमें अच्छी तरीके से बीट करना है, जब तक कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिल ना जाएं। एक मीडियम थिक गोल हमें तैयार करना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा और दूध डालते हुए अपने अंदाजे से एक ऐड करते हुए बीट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें धीरे धीरे जो मैदा, बेकिंग पाउडर और सोडा का मिक्सचर है उसे ऐड करना है, और इसे मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे हमारे केक के बैटर पे। पूरा ऐड कर लेंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अगेन हमें बीटर की सहायता से इसे करीब 2 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट करना है। केक को सुपर सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें हमने लेमन जूस डाला है, और हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं और बीट भी कर रहे हैं। ये एक सीक्रेट है सॉफ्ट केक बनाने का। उसके बाद इसमें जब ये बीट हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वनीला एसेंस, 10-20 ड्रॉप्स हम इसमें ऐड कर रहे हैं, ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आए वनीला का, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे
रेड कलर की हमने टूटी फ्रूटी ली है, उसे हम इसमें ऐड करेंगे। तो करीब 3 बड़े चम्मच हम इसमें टूटी फ्रूटी ऐड कर रहे हैं, और अगेन हम इसे करीब 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से मिल जाए और टूटी फ्रूटी भी उसमें अच्छी तरीके से मिल जाए। एंड उसके बाद हमारा ये केक का बैटर तैयार हो जाएगा बेक होने के लिए। केक को बनाने के लिए ये बहुत ही आसान रेसिपी है, और इंग्रेडिएंट्स भी जो हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे पास घर पर इजीली अवेलेबल रहता है। तो ये केक बनाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स से ही हमारा जो केक है वो बहुत ही डिलीशियस बनेगा और सॉफ्ट बनेगा। तो चलिए, हमारा केक का बैटर रेडी है। अब हम इसे हमारे केक टिन में डाल लेंगे, और इसे डालने के बाद एक बार केक का जो हमने टिन लिया है उसे हमें थोड़ा सा फ्लैप करना है ताकि जो बैटर है वो अच्छी तरीके से टिन पे प्लेस हो जाए। इसके ऊपर से भी हम थोड़ा सा टूटी फ्रूटी डालेंगे ताकि वो हमारे केक को और डेकोरेट करेगा। हमने इसे बेक करने के लिए एक बर्तन में जाली रखी हुई है और कुछ भी नहीं है, और तो पहले से ही इसे प्री हीट करके रखा हुआ है। केक को हम 30 to 40 मिनट्स स्लो गैस पे ढककर बेक करेंगे। बीच में चेक करेंगे, देखिए केक फूल गया है। उसके बाद हमने 40 मिनट्स के बाद देखा तो हमारा जो केक है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। नाइफ़ डाल के देखेंगे, एकदम क्लीन नाइफ निकल रही है। इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे करीब 2-3 मिनट, उसके बाद हम इसे बर्तन से बाहर निकाल कर ठंडा कर लेंगे। बाहर निकालने के बाद इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने दें और नाइफ की सहायता से साइड से निकाल लें, फिर इसे डीमोल्ड कर लें। तो हमारा टूटी फूटी वनीला केक, जो कि सुपर सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, रेडी है। दिखने में जितना सुंदर है खाने में उतना ही टेस्टी है। आप चाहे तो ऐसे ही इसे कट करके खाएं। टूटी फ्रूटी वनीला केक बिना आइसिंग के ही बहुत यम्मी लगता है। हमने बर्थडे के लिए आइसिंग कर ली है, तो यह है हमारा आइसिंग किया हुआ टूटी फ्रूटी वनीला केक। आई होप मेरी ये रेसिपी आप सबको पसंद आई हो। घर पर ज़रूर ट्राई करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।